आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। अब जीसस ने राजाओं का राजा हो ऐसा कहा, उसके पीछे जीसस आत्मदृष्टि का कर्तव्य बता रहे हैं। लेकिन उत्सवों के लोगों ने कहा हम राजाओं के राजा हैं, मजाक उड़ाई जीसस की, जीसस को घेर लिया उत्सवों के लोगों ने। हम अगर राजाओं के राजा है तो तुम बताओ हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें या न करें, केसर भाषा को टैक्स दे या न दे। अगर टैक्स न दे ऐसा जीसस बोलते हैं तो जीसस बगावत खोरों में गिने जाएंगे और राज्य दंड उनको दिलाया जाएगा। अगर जीसस कहते हैं कि टैक्स दो तो जीसस को तो हम अभी प्रश्न करते हैं कि हम किंग ऑफ किंग होकर फिर टैक्स क्यों बने। लेकिन जीसस साधु संतों के संग से विलक्षण प्रज्ञावान हो चुके थे। जीसस ने अपने जेब में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला, वो सिक्का उन उच्छलंक व्यक्तियों को दिखाते हुए पूछा कि इस पर मोहर किसकी है। अपने यहां रुपया वहां की जो करेंसी है उस पर मोहर केसर भाषा की थी, तो इस पर मोहर किसकी है। बोले इस पर मोहर केसर भाषा की, तो इस पर मोहर केसर की है तो ये केसर को टैक्स में दो, लेकिन आत्मा पर मोहर परमात्मा की है इसलिए आत्मा को परमात्मा में लगा दो। तो तुम्हारा एक ऐहिक कर्तव्य होता है और दूसरा वास्तविक कर्तव्य होता है। ऐहिक कर्तव्य से शारीरिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ सोफा पे आराम कराओ मर्सिडी गाड़ियों में और ड्यूक में घुमाओ, आखिर शरीर दफना दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा अथवा पानी में बहा देंगे तो जलचर खा जाएंगे, विष्ठा बन जाएगी या तो राख बन जाएगी या तो बैक्टेरिया मर बन जाएंगे और सड़ जाएगा मांस। शरीर तुम्हारा राख बन जाए अथवा बैक्टेरिया बन जाए अथवा जलचरों के हवाले हो जाए, उसके पहले तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। संत तुकाराम महाराज बैठे थे, साधन भजन करके शांत मना बैठे थे। उस महापुरुष ने अपने आप से सवाल पूछा, मना जग में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, तुम शोध नहीं पाए हैं। जगत में सर्व प्रकार से सुखी कौन है। उस महापुरुष ने देखा कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है तो कोई शादी से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी है तो कोई उच्छलंक बच्चों से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन के टेंशन से दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है लेकिन कोई तो सत्ता का नाग समझकर दुखी है, लेकिन छोड़ी भी नहीं जाती संभाली भी नहीं जाती। तो संसार में सब दुखी दुखी है, सब प्रकार से कौन सुखी है, ऐसा तुकाराम ने अपने आत्मा में ही प्रश्न भेजा और समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उस महापुरुष की इंद्रिया मन में लीन हुई, मन बुद्धि में, बुद्धि जीव में और जीव सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा में लीन हुआ और अंदर से उन्होंने अनुभव किया, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, मना तुम्हें शोधनी पाए। मन शोधने गया, खोजने गया, खोजत खोजत गयो कबीरों हेराई, खोजते खोजते मन का मनन भाव शांत हो गया और उस ब्रह्म भाव का, उस परमात्मा का जो मुख्य कर्तव्य पालना है जीव को, उसकी अनुभूति हुई। और तुकाराम ने कहा दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्यत हरिरेव जगत, वही आदमी वास्तव में सुखी है। जिसने अपनी दृष्टि ज्ञानमय करी है, जिसने अपने वास्तविक मैं को जाना है, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। रामकृष्ण कहा करते थे अगर खुद पर तुम मस्ताने नहीं होगे, खुद मना वह वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक मैं, वास्तविक अपना आपा, सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा नानक जी ने,
मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछा। मेरा नाम सुरजीत सिंह किथे सी सुरजीत सिंह ए तड़क पा है ए तारी छाती है प्राव ए बाबा जी ए सुरजीत ओ ए तेरा कंधा है ए तेरा स्टमक है पेट है। सुरजीत किथे सी वो मिला जुला के सहारमास के पिंजर का नाम रख दिया है। वास्तविक में तू अपने मूल को पहचान। अगर सुरजीत सिंह की जगह पर तेरा नाम गोविंद सिंह रख दे अथवा अर्जुन सिंह रख दे अथवा ज्ञानी जी रख दे अथवा जल सिंह ही रख देते तो तू अपने को जल सिंह मानता। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। तो ये सुना सुनाया नाम है। मेरा नाम इकबाल है, मेरा नाम फिरोज है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम कौशिक है, मेरा नाम कौशल्या है, मेरा नाम मथुरा है। मथुरा तो कोई लगता ही नहीं नाम जयराम जी के। तो ये नाम तुम्हारा नहीं शरीर का नाम है, व्यवहार चलाने के लिए रखा गया है। तुम वास्तविक में क्या हो उसकी अगर तुम्हें खबर पड़ जाए, 3 मिनट तक उसकी मुलाकात हो जाए तो तुम्हारी निगाह जिस पर पड़े वे ही निष्पाप हो जाएंगे। तुम इतने महान हो, तुम इतने पवित्र हो। नहीं ज्ञाने में सदृशम पवित्रम ही विद्यते, उस आत्मज्ञान के बराबर जगत में पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं। गंगा यमुना तीर्थ और पवित्र स्थान पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जिसको आत्मज्ञान हुआ ऐसे महापुरुष के चरण रज से वे स्थान पवित्र बने हैं और वे स्थान तीर्थ बने हैं। जैसे गंगा जी गंगोत्री से चलती है, उससे भी थोड़ा आगे गौमुख से चलती है अब कलकत्ता तक। फिर भी जिनको स्नान करने की इच्छा होती तो वे हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में कंखल भी है और सप्त सरोवर से आगे भी तो गंगा है। लेकिन कोई पर्व होता है तो पहाड़ी के लोग जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ के लोग भी हरिद्वार नहाते हैं, और हरिद्वार से पीछे के लोग भी जाकर मेरठ आदि वाले लोग भी हरिद्वार में नहाते हैं। कहाँ पर? हर की पैड़ी पर। क्यों? राजा मानधाता ने वहां ध्यान किया था, समाधि की थी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव अगर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए, इस जगह का नाम ब्रह्मकुंड पड़े। और दूसरी बात, यहाँ जो गंगा में स्नान करे उसको विशेष आह्लाद विशेष आनंद का अनुभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मानधाता ने वहां ध्यान किया है, अपने आप में विश्रांति पाई है, इस कारण गंगा जी तो गंगा जी लेकिन उस जगह को तीर्थत्व का महत्व प्राप्त हो गया। ऐसे ही जिसने अपने आप को जाना है वो व्यक्ति जहाँ रहता है जिनके संपर्क में आता है वे वस्तु वे व्यक्ति भी महान होने लगते। अपने आप के अनुभव की महिमा ऐसी है। नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बदभागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। सिख धर्म ने ब्रह्म ज्ञान की महिमा अपने ढंग से कही, तो जैन धर्म ने अपने ढंग से। जैन धर्म में जो महापुरुष हो गए जिन्होंने आत्मा में विश्रांति पाया